Morning, i'm shreshthi and i'm a social science teacher today we are going to study social science geography chapter number two the structure of the earth of class 7th in this chapter you are going to learn about the three layers of the earth that is crust mantle and core the difference between rock and mineral about the different type of rock igneous sedimentary and metamorphic and what is rock cycle so let's start first in this chapter we will study the sources that provide us information about earth's interior earthquake volcanic eruption and deep mines now in this chapter we are going to learn about the informations regarding interiors of the earth like reasons of earthquake or volcanic eruptions and deep mines first is the structure of the earth now

और तीन लेयर्स हैं फर्स्ट वन इज क्रास सेकेंड इज बैंटल एंड थर्ड वन इज कोर ईच ऑफ दिस लेयर हैज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और हर लेयर के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीचर्स हैं लेट अस लर्न अबाउट दैम नाउ क्रस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ द फर्स्ट ब्राउन शेड इज क्रस्ट यू कैन सी दिस सेकेंड लेयर इज मेंटल दिस इज मेंटल एंड थर्ड वन इज़ कोर दिस कंप्लीट इज कोर एंड कोर इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू आउटर कोर एंड इनर कोर द आउटर कोर इज़ इन लिक्विड फॉर्म ये जो कोर है ये लिक्विड फॉर्म में होती है और जो सॉलिड कोर है या इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में रहती है ठीक है ये इसका स्ट्रक्चर है नाउ फर्दर यू विल स्टडी दिस जी स्लैश सी सी दिस मीन्स ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये हम आगे बढ़ेंगे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर फर्स्ट लेयर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज क्रास्ट द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस अब क्रस्ट क्या है आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की सरफेस की दिस इज द पीस ऑफ लैंड और ये जो सर्फेस है सबसे अपर मोस्ट दैट इज़ आउटर मोस्ट दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट और इसकी थिकनेस होती है फ़ाइव टू एट किलोमीटर फ़ाइव टू एट किलोमीटर इसकी बीनीत द ओशियन ओशियन में इसकी जो सरफेस है वो फ़ाइव टू एट किलोमीटर्स होती है और एवरेज कॉन्टिनेंटल लैंड मास पे मतलब ऑन द पीस ऑफ लैंड इट इज़ अबाउट थर्टी फ़ाइव किलोमीटर ठीक है और कॉन्टिनेंटल ओशियन बनीथ का मतलब क्या है अ पीस ऑफ लैंड अंडर द वाटर सपोज ये क्या है ओशन है या वाटर है इसके अंडर जो अर्थ की सरफेस होगी इसकी थिकनेस कितनी है इसके अंडर वेट अ सेकेंड सपोज़ दिस इज ओशन और इसके अंडर भी एक पीस ऑफ लैंड होगा उसमें क्रस्ट की थिकनेस कितनी होगी फाइव टू एट किलोमीटर ओके एट किलोमीटर और पीस ऑफ लैंड में जो हमारा जनरल लैंड मास होता है जनरल लैंड जो होता है उसमें इसकी थिकनेस कितनी होती है थर्टी फाइव किलोमीटर इतना क्रस्ट होता है ओके okay? द एलिमेंट दैट मेक अप दी क्रस्ट आर सिलिकॉन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम नाउ कौन कौन से एलिमेंट्स मिलकर बने हैं क्रस्ट कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर बनी है सिलीकॉन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम ये तीन कंपोनेंट्स से मिलकर क्रस्ट बनी है द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंड मास इज सिलिकॉन एंड एल्युमिनीम दैट इज सियाल ओके अब जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है सपोज दिस इज़ अ पीस ऑफ लैंड और ये ओशन है राइट right? ये वाटर है अब इसके अंडर जो एरिया होगा ये जो पीस है ये किससे मिलकर बना है मतलब कॉन्टीनेंटल लैंड मार्क्स दिस इज़ मेड अप ऑफ सिलीकॉन एंड एल्यूमेनियम जिसे सियाल कहते हैं सिलिकॉन एंड एल्युमीनियम अब ओशनिक क्रस्ट ये जो ओशनिक क्रस्ट है मतलब क्रस्ट अंडर वाटर ओशियन ये किससे मिलकर बनी है सिलीकॉन एंड मैगनीशियम दैट इज सीमा दोशनिक क्रस्ट इज कॉल्ड सीमा एज इट इज मेडअप ऑफ सिलीकॉन एंड मैग्नीशियम तो आपको समझ में आया है क्रस्ट पहली होती है कॉन्टीनेंटल लैंडमार्स जिसकी लेंथ कितनी होती है थर्टी फाइव किलोमीटर्स तक होती है सेकेंड होती है ओशनिक इसकी विथ कितनी होती है फाइव टू एट किलोमीटर राइट ये किस कॉन्टिनेंटल लैंड मार्क्स किससे मिलकर बना है एस आई ए एल दैट इज सिलीकॉन एल्यूमिनियम ओशनिक क्रस्ट किससे बनी है सीमा दैट इज सिलीकॉन एंड मैग्नीशियम द डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज लेस दैन थ्री ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर the oceanic crust is denser than continental crust now the density of the crust is less than 3 gram per cubic centimeter or oceanic crust is denser hai, heavier hai continental crust se. next which we are going to study is mantle that is the second layer of the earth this is the outermost layer which was क्रस्ट सेकेंड लेयर विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज मेंटल ये जो लेयर है ये कहलाती है मेंटल जो कि क्रस्ट के जस्ट नीचे बिलो होती हैं ठीक है द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल येस दैट वी नो दिस इज कॉल्ड मेंटल दिस लेयर इज कॉल्ड मेंटल इट इज टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर थिक अब इसकी जो थिकनेस होती, हो, होती? Okay? होती है वो कितनी होती है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड होती है दिस इज मेड मोस्टली मेड अप ऑफ सिलिकॉन आयरन एंड मैग्नीशियम अब ये जो क्रस्ट है ये किससे मिलकर बनी है सिलिकॉन आयरन एंड मैग्नीशियम नाउ इट्स डेंसिटी वेराइज बिटवीन थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है इसकी डेंसिटी इतनी होती है द मेंटल कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स अब मेंटल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मेंटल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट वन इज अपर मेंटल एंड सेकेंड वन इज लोअर मेंटल राइट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अपर मेंटल इज एट हंड्रेड सेवेंटी डिग्री सेल्सियस सो so, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मैंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट वन इज़ अपर मैंटल एंड सेकेंड वन इज लोअर मैंटल नाउ टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर ऑफ अपर मैंटल इज एट हंड्रेड सेवेंटी डिग्री सेल्सियस एंड लोअर मैंटल का एवरेज टेम्परेचर है टू थाउजेंड टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस गॉट इट द मेंटल इज़ इन अ सेमी सॉलिड स्टेट Uh, जो मेंटल होता है वो सेमी सॉलिड स्टेट में होता है uh, ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड सेमी सॉलिड स्टेट तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पहला होता है अपर मेंटल एंड सेकेंड वन इज लोअर मेंटल अपर मेंटल का टेम्परेचर 870 डिग्री सेल्सियस होता है और लोअर मेंटल का टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस होता है इसकी डेंसिटी जो होती है वो टू से लेके 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है और मेंटल की जो थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर होती है ओके okay? इतना थिक होता है और ये सेमी सॉलिड स्टेट में होता है ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ कोर The innermost layer of the earth is called core. Uh, suppose this is our earth or a piece of land. ऑफ लैंड ये फर्स्ट लेयर क्या है क्रास्ट सेकेंड हमने पढ़ी है मेंटल मेंटल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है राइट जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर दो पार्ट्स में अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल राइट एंड दर्ड विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज कोर ये जो पोर्शन है ये कोर कहलाता है आप मैंने आपको ये भी बताया है कि कोर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ओके सो द थीकनेस इज अबाउट थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर अब इसकी जो थीकनेस है वो कितनी होती है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर इतनी थीक इसकी लेयर होती है राइट इट इज़ मेड अप ऑफ निकल आयरन एनहेंस इज नोन एज नाइफाई अब ये जो है इसकी कंपोजिशन किससे मिलकर बना है ये कोर किससे मिलकर बना है कोर बना है निकल और आयरन से और इसीलिए इसे नाइफाई कहते हैं निकल एन आई एफ ई निकल आयरन द डेंसिटी इज अबाउट इलेवन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर द कोर इज़ डिवाइडेड इन टू आउटर कोर एंड इनर कोर नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट वन इज़ आउटर कोर एंड सेकेंड वन इज़ इनर कोर ओके सो द आउटर कोर हैज़ टेम्परेचर ऑफ थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब आउटर कोर का टेम्परेचर कितना होता है थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड इज़ इन अ मोल्टन स्टेट जो कि एक मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में फॉर्म रहता है ओके इनर कोर हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ फाइव थाउजेंड डिग्री सेल्सियस फाइव थाउजेंड डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है बट इज स्टिल इन सॉलिड स्टेट लेकिन ये किस फॉर्म में है सॉलिड स्टेट में इतना हीट हॉट टेम्परेचर होने के बावजूद भी जो इनर आउटर कोर है सॉरी इनर कोर है उसका जो स्टेट है वो सॉलिड है और जो इनर सॉरी जो आउटर कोर है उसका जो स्टेट है वो क्या है लिक्विड है मॉल्टन स्टेट है देन बिकॉज दिस इज बिकॉज इट बिकॉज ऑफ़ द एक्सट्रीम प्रेशर एक्सोटेड बाई द वेट ऑफ रॉक दैट लाइज अबव और ये इसलिए क्योंकि उसका जो प्रेशर है जो जो रॉक्स उसके ऊपर लाई करती हैं प्रजेंट हैं इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है कि इसका जो स्टेट है इसी वो सॉलिड स्टेट में प्रजेंट है ठीक है नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज रॉक एंड मिनरल आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ को तीन पार्ट्स में डिवाई अर्थ तीन कॉन्सेंट्रिक लेयर में डिवाइडेड है क्रस्ट मेंटल एंड कोर और तीनों के अलग अलग अपने ही फीचर्स हैं सो लेट्स स्टार्ट विथ रॉक एंड मिनरल मिनरल्स आर नेचुरली अक्योरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मिनरल्स क्या हैं वो नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट है द कंटेन अ सिंगल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सिंगल एलिमेंट भी है और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है बहुत सारे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं दे हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी और उन सब की अपनी केमिकल अलग कम कैमिकल कंपोजिशन है और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है सब अलग अलग तरीके से दिखाई देते अलग अलग तरीके की दिखाई देते हैं और उनका जो कम्पोजिशन है जिससे वो मिलकर बने हैं वो भी सब अलग अलग हैं दे आर दे में भी मेटालिक लाइक आयरन एंड कॉपर वो मेटालिक भी हो सकते हैं मेटल से बने भी हो सकते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक लाइक मीका और माइका और सल्फर और इवन एनर्जी मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम वो नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं जैसे कि माइका सल्फर या एनर्जी मिनरल्स जैसे कि कोल या पेट्रोलियम राइट right? मिनरल हैव अ वाइड रेंज ऑफ कलर हार्डनेस टेक्स्चर एंड लस्चर ना अब जो मिनरल्स होते हैं उसमें तरह तरह के कलर्स हार्डनेस उनका टेक्स्चर उनका लस्चर मतलब उसकी शाइनिंग ये सब भी अलग अलग होती है डायमंड इज़ दार्डेस्ट मिनरल वाइल टैल्क इज द सॉफ्ट सॉफ्टेस्ट अब डायमंड क्या है हार्डेस्ट मिनरल है और सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल क्या है टैल्क है रॉक्स आर दी नाव हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया कि मिनरल्स की सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं उनकी केमिकल कंपोजिशंस अलग होती हैं कुछ मेटेलिक होते हैं कुछ नॉन मेटेलिक होते हैं हार्डेस्ट मिनरल डायमंड है सॉफ्टेस्ट मिनरल जो है वो टैल के नाव वी आर गोइंग टू स्टडी इज रॉक्स येस रॉकस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड इनक्लूड ऑल द सॉलिड मटीरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट रॉक क्या है बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बना एक सॉलिड मटीरियल है अर्थ की क्रस्ट का दे डू नॉट हैव डेफिनाइट कैमिकल कंपोजिशन जिसकी कोई डेफिनाइट कम कैमिकल कंपोजिशन नहीं है मतलब रॉक अगर बननी है तो ज़रूरी नहीं है कोई डेफिनाइट कैमिकल से मिलकर नहीं बनी है ठीक है कि इन केमिकल्स को मिलाएंगे तो रॉक बन जाएगी दे डू नॉट हैव फिक्स्ड और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन सम रॉक कंटेन एक्यूमिलेशन ऑफ मिनरल्स इन लार्ज क्वांटिटी कुछ में मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं निकाल सकते हैं इकोनॉमिक सच रॉक्स आर कोल्ड ओर्स और जिसे हम ओर्स भी कहते हैं ऐसी मिनरल्स जिसे हम रॉक से निकाल लेते हैं उन्हें ओर्स कहते हैं मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन मैग्नेटाइट क्या है आयरन की ओर है वाइल बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम द टाइप ऑफ लैंडफॉम ड्रेनेज एंड सॉइल फाउंड इन अ रीजन डिपेंड्स अपऑन द टाइप ऑफ रॉक प्रेजेंट देर अब किस तरीके का लैंडफॉम है किस तरीके का ड्रेनेज है या किस तरीके का सॉइल किसी पर्टिकुलर प्लेस पर होगा ये डिपेंड करता है वहाँ पर जो रॉक्स प्रजेंट हैं उस पर डिपेंड करता है कि आस पास में किस तरीके का लैंडफॉम uh, होगा वहाँ पर किस तरीके का सॉइल होगा ये सब वहाँ के रॉक्स पर डिपेंड करता है ओके okay? टाइप्स ऑफ रॉक रॉक्स बहुत टाइप की होती है जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स रॉक्स फॉर्मेशन के बेसिस पे उनका जो फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पे रॉक तीन टाइप की होती है इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामोफिक इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामोफिक लेट स्टडी फॉर द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इग्नियस रॉक the term igneous rock is derived from the latin word ignis